यार साथियों, आज आप लोग से इसलिए मुखातिब है कि कल रात सरकार ने जो एक बहुत प्रतीक्षित और झारखंड के लगभग 4.25 करोड़ लोगों की जो आकांक्षा थी, जिसमें जातीय जनगणना मुख्य रूप से शामिल था और सरना धर्म कोड का भी उसमें निर्धारण होना था, उस पर कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया उसके लिए पूरी पार्टी की ओर से, राज्य की जनता की ओर से वर्तमान मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। साथ साथ जो भाषा साहित्य जो अपने जड़ को पहचानता है और उसको संवर्धन करता है, उस निमित्त भी जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसमें जनजातीय भाषाएं, मूलवासियों की भाषाएं, उनका भाषा और साहित्य एकेडमी के गठन का भी जो निर्णय हुआ है वो भी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, ताकि पिछले कैबिनेट में जो चीजें आई थी कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चे अपने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, उसके लिए भी पद प्रशस्त हुआ, नए शिक्षकों की भी इससे बहाली होगी, जनजाति और क्षेत्रीय भाषाएं अब प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक पढ़ाई होगी, किताबें छपेंगी, सिलेबस भी तय होंगे। ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा निर्णय कल सामने आया, जिसका हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ साथ जो वर्तमान केंद्र सरकार की उसकी जो नाकामियां सामने आ रही है, हफ्ते 10 दिन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का अनियमितता, खासकर छात्रों के साथ 24 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ एक प्रहसन हुआ, 9 लाख यूजीसी नेट के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ भी बड़ा असभ्य तरीके से एनटीए के द्वारा व्यवहार किया गया। हम लोगों ने शुरू से ही इस बात को कहा था कि एनटीए के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो संघीय सोच है और जो उसके भ्रष्टाचार, इसकी शुरुआत हम लोगों ने देखा था व्यापम से हुआ था मध्य प्रदेश, यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी तो इस राज्य के भी प्रभारी बन गए और कई लोगों की उसमें हत्याएं भी थी। वो मॉडल एनटीए में लाया गया और जो नीट का और जो यूजीसी नेट है, इसमें जो भ्रष्टाचार का केंद्र है, संयोग से या प्रयोग से
उसका एपिक सेंटर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहां भारतीय जनता पार्टी की शासन, क्योंकि सारे फर्जीवाड़ा में शामिल लोग इन्हीं सरकारों के संरक्षण में पलते बढ़ते हैं। ये साधारण बात नहीं। कल प्रधानमंत्री जी नालंदा आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते गए, ज्ञान का क्षेत्र खोलना है, विश्व स्तर पे ले जाना है। लगता अभी भी चुनाव के मोड में, लोगों ने उनको नकारा है, ये स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। 18 तारीख को परीक्षा होती है, 19 को दिन में प्रधानमंत्री जी का शिक्षा पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। और रात को परीक्षा रद्द हो जाता है। यूजीसी नेट क्या था? उच्चतर शिक्षा का एक प्रवेश द्वार है, जहां लोग प्राध्यापक बनते हैं, शोध करते हैं। आपने उस पर कालिक पोतने का काम, सुप्रीम कोर्ट भी कंसर्न है नीट की परीक्षा को लेकर कि कदाचार से यदि छात्र एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं तो लोगों की जीवन को खतरा है। पहले हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस के समय जो टीके लगे, अब खुलासा हुआ उससे प्राण नाश होता है, संभावनाएं बढ़ जाती। अब इस तरह के डॉक्टर आएंगे, मोदी जी यही चाहते हैं कि कोई पढ़े लिखे नहीं, सरकारी यूनिवर्सिटी तो गया, मोटी मोटी रकम लेके भाजपा के नेताओं के जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान पूरे देश में फल फूल रहे हैं। पूरा गुजरात लॉबी इसमें समाया हुआ है, राजस्थान में व्यापक रूप में यह काम होता है, कोटा में। कौन लेगा एनटीए का गारंटी? जो जोशी साहब है, जो उनके चेयरमैन है, उनका इंक्लिनेशन क्या? इससे पहले भी यूपीएससी में रहे, वहां भी कई तरह के सवाल उठे। जब तक आप संस्थानों को पारदर्शी और ईमानदार नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह का लोगों के साथ बर्ताव होगा। खासकर जो देश को गढ़ने वाले हैं, जो 47 की बात होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा योगदान जिस वर्ग का होगा वो आज के समय का छात्रों का होगा। आपने नई शिक्षा नीति ला दी, आज तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो शिक्षा नीति है क्या,
कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, उसमें एक सब्जेक्ट है नो योर कंट्री, आप अपने देश को जानिए, लेकिन उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उसको नेहरू जी ने लिखा है। ऐसे ऐसे कई सब्जेक्ट जो रांची यूनिवर्सिटी से पूरे देश के यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। और फिर जो कुछ सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए यूजीसी जो नेट लेता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, पहले यूजीसी खुद करता था, कभी कोई गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। जब से एनटीए बना लगातार गड़बड़ियां, और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं एनटीए बहुत अच्छा है, तो एनटीए बहुत अच्छा है तो सीबीआई जांच क्यों हुआ, नीट की सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, क्या ये बच्चे अब इस देश में रह पाएंगे, अपना भविष्य संवार पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार हुआ, रोजगार में यदि भ्रष्टाचार हुआ, तो भयानक संकट का ये द्योतक है। और इसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री मौन है, और शिक्षा मंत्री इसमें स्पष्ट तौर पर मिलीभगत उनकी। मैं तो यह मांग करता हूं अपनी पार्टी के तरफ से, यदि सीबीआई के पास केस गया तो तत्काल सीबीआई एनटीए के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्री को गिरफ्तार करे, प्रधानमंत्री मानव संसाधन मंत्री को बर्खास्त करे, क्योंकि दोनों की गिरफ्तारी के जगह सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ये भाजपा की मिलीभगत है, इसको देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे राज्य के लिए कई छात्र जो नीट में है, नेट में है, उनको भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है। और मैं राज्य सरकार से यह भी मांग करूंगा, अपने सरकार से, कि राज्य की जितनी कोचिंग संस्थाएं सबका ऑडिट करवाए, सबकी जांच करवाए, क्योंकि मोटे मोटे पैसे लेकर ये भी कोटा से संबंधित लोग हैं, या लोगों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, उनके अभिभावकों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदय को भी ये निवेदन करूंगा, वो
स्पष्ट तौर पर खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों पर भी अपनी निगाहें खोल कर रखी कि आखिर क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर यही सब स्टेट होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। यदि और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आमंत्रित। आपने जो सवाल है वो मान है प्रदेश मुसलमान को लेकर खड़ा है और जायज भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए तो पेपर लीक का जो मसला है वो देश भर की सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों के लिए चिंता की बात है। खुद अपने स्टेट में आपकी पार्टी की सरकार है, पेपर लीक का मसला यहाँ भी है, पेपर देखिए, जब तक रिक्रूटिंग एजेंसी शुद्ध और पारदर्शी नहीं होगी, उसके चुनाव में यदि भ्रष्टाचार लिप्त होगा तो ये चीजें बार बार होती रहेगी और ये ट्रेंड व्यापम के दौर से शुरू हुआ। इसलिए किसी भी जगह यदि कोई भी गड़बड़ी होती, यूपी में तो पिछले 7 सालों में 11 बार पेपर लीक, आखिर उसकी एजेंसी कौन है? आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? गुजरात में भाजपा के शासनकाल में 17 बार पेपर लीक हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं? व्यापम का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो जज से लेकर गवाह से लेकर अभियुक्त तक असामान्य परिस्थिति में उनके शव पाए जाते थे, उस पर क्यों नहीं जांच हुआ? यही तो सवाल है मेरा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब आरएसएस के तरफ का इशारा था। जो किसी की नियुक्ति होती है और हाल के दिनों में देखा गया, चाहे जेएनयू हो, जामिया हो या बीएचयू, तो किसी की नियुक्ति होती है, नियुक्ति को जिस तरीके से अभी राजनीतिकरण किया गया है, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ उस वजह से हो रहा है, हर ग्राम का पेपर लीक हो रहा है? राजबाबू, मैं आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का जो वीसी है, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, वैकेंसी के अगेंस्ट में जब एप्लीकेंट जाते हैं उनको पर्सनली बुला के बोलते हैं कि संघ का कोई रेफरेंस है तो इंटरव्यू बोर्ड में आइए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो वही की है, उन्होंने एफआईआर करवाया था कि मुझे अजान से नींद में खलल पड़ती, जबकि उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर और उसी घर पे रहती थी। बीएचयू का वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जेएनयू का वाइस चांसलर, जितनी नामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आपने रोहित बेनू बुलाकर केस पढ़ा हो, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सारे संघी जमात के लोग आज सभी इंस्टीट्यूशन में भरे पड़े,
इसी के तो वैचारिक लड़ाई, और ये लड़ाई हम लोगों को आगे भी लड़नी। देखिए ये उन्माद फैलाना इनका फितरत है, और मैंने आपको पहले ही दो तीन दिन पहले कहा था कि हेमंत विश्व शर्मा का यहाँ पर नियुक्ति सांप्रदायिक उद्देश्य से की गई है ताकि समाज में जहर घोला जा सके। आज नेता प्रतिपक्ष का जो टीम है वहां मामला पूरी तरह शांत हो गया, अंतरराज्य कुछ हिंसा की बात हुई थी, लेकिन जो फरक्का के जनप्रतिनिधि है, मालदा के हैं, जंगीपुर के हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर चीजें जब सब सलट गई, स्थितियां सामान्य हो गई, ये लोग गए हैं बारूद और आग लेकर। लेकिन पाकुड़ जलेगा नहीं, झारखंड जलेगा नहीं, इस बात को ये लोग ठान लें। निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पर भी जिस प्रकार का ये कोटा 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 करके सब लिख रहा है, और जब तफ्तीश में उस संस्थानों के भी नाम आ रहे हैं तो यहाँ पर भी जांच होनी चाहिए, यही हमने कहा। अभी आपने आला तालीम के मसले पर बात की जो करप्शन हो रहा है, लेकिन झारखंड स्टेट का जो प्राइमरी शिक्षा का जो सिस्टम है, सरकारी स्कूल है, वहाँ का शिक्षा स्तर काफी गिरा हुआ है, बहुत कम बच्चे जाते हैं खाना पूरी के लिए, खिचड़ी खाने के लिए, इसकी कम शिकायतें कई मरतबा आई है। तो इन स्कूलों में शिक्षा स्तर में सुधार के लिए कोई खास पहल नहीं किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, खास पहल किया गया है। आप देखिए कि हमारे जो 5500 स्कूल को रघुवर सरकार ने बंद कर दिया, अब उन स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो कोर्सेज आई और उसके द्वारा जो यहाँ पर शिक्षा में हम लोगों ने विगत दिनों जिस प्रकार से काम किया, गुणात्मक परिवर्तन आया, लेकिन चीजें एक दिन में नहीं सुधरती। बच्चा पहला ही दिन मैट्रिक नहीं कर लेता, उसको 15 साल लगते हैं, ग्रेजुएशन भी सीधा नहीं होता है, उसमें भी अलग से फिर 5 साल लगते हैं। तो ये क्रमशः ये चीजें सुधरेंगी, ऐसा पूरा विश्वास है।